नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशिया के पहले स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर पाकदा के बारे में। स्टेल्थ बॉम्बर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। दुनिया के दूसरे कौन से देश हैं जिनके पास स्टेल्थ बॉम्बर कैपेसिटी है और इस स्टेल्थ बॉम्बर के आ जाने से आखिर ऐसा क्या बेनिफिट मिल जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री को, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहां प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स को आप हमारी ऐप यानी स्टडी आईक्यू ऐप पर अवेल कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। पिछले कई सालों से रशिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में एक स्टेल्थ बॉम्बर, एक न्यू जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की कोशिश जारी है। लगभग 10 साल से ये प्रोग्राम चालू है। हालांकि इसकी बात तो लेट 90s में ही शुरू हो गई थी, लेकिन कई बार ये प्रोजेक्ट अटक चुका है रशिया में और हर स्टेज पर कोई ना कोई डिफिकल्टी आ गई। मेनली जो प्रॉब्लम थी वो पैसे को लेकर थी, क्योंकि स्टेल्थ बॉम्बर बनाना बहुत ही महंगा काम होता है, इसमें कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, तो इसीलिए ये प्रोग्राम काफ़ी समय से अटका हुआ है। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि फाइनली रशिया ने इस पर काम शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन का काम, प्रोटोटाइप प्रोडक्शन का काम चालू हो चुका है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो पहला स्टेल्थ बॉम्बर है उसका इंजन जो है वो बनना शुरू हो चुका है लेट 2019 में और आने वाले कुछ ही समय में हमें इसकी टेस्ट फ्लाइट देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि ये न्यूज़ रशिया की स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी से आई है, इसीलिए इसे थोड़ा क्रेडिबल भी माना जा सकता है। इस न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 3 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो अप्रैल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगे प्रिलिमिनरी टेस्टिंग के लिए और 2026 में मिलिट्री इनका टेस्टिंग शुरू कर देगी और सीरियल प्रोडक्शन यानी कि बड़ी संख्या में इनका बनना 2027 में शुरू किया जाएगा। यानी कि रफली 2030 तक ये एयरक्राफ्ट रशिया की एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा ऑपरेशंस के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। अब इस पाकदा का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो एक लंबा चौड़ा रशियन नाम है। बेसिकली ये वो फैक्ट्री है या फिर वो एरिया है जहां पर इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा। वहां पर पहले भी कुछ लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट्स बनाए गए हैं, तो इसीलिए उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन और इसको रशिया में ये कहा जाता है, पढ़ लेना पढ़ सको तो, और इसी को शॉर्ट करके इसका एक्रोनिम बना दिया गया है पाकदा। तो ये पाकदा नाम अभी एक वर्किंग नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऑपरेशनल होगा तब इसका नाम कुछ और रखा जाएगा, इसे पाकदा नहीं कहेंगे। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है उसका नाम आपको अभी मालूम होना चाहिए। तो रशिया में एक यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन नाम की स्टेट कंट्रोल्ड एजेंसी है और उसी का एक अंग है टूपोलेव। तो टूपोलेव एक बहुत पुरानी रशियन कंपनी है, 1922 से ये हवाई जहाज बना रही है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। टूपोलेव ने पिछले 100 सालों में रशिया की एयरफोर्स के लिए 100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट डिजाइन करके नए बनाए हैं, यानी ब्रांड न्यू डिजाइन बनाकर इन्होंने रशिया की एयरफोर्स को दी है। और ऐसा बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 18,000 एयरक्राफ्ट्स इन्होंने रशियन एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किए हैं। तो टूपोलेव इनकी एक लेजेंडरी कंपनी है जो कि इस वक्त किसके अंडर आती है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो आप कह सकते हैं कि ये रशिया का एक तरह का पीएसयू है। अब मैंने पाकदा को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा था, तो स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हम किसे कहेंगे? स्टेल्थ शब्द का मीनिंग है चोरी छिपे कोई भी कार्य करना। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में कोई भी हवाई जहाज अगर रेडार से बचकर या रेडार से छिपकर अपना काम कराता है तो उसे हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहेंगे। तो वैसे आमतौर पर हवाई जहाज को डिटेक्ट करने के लिए रेडार है। रेडार काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है अभी तक, आई होप आप सभी को मालूम है कि रेडार कैसे काम करता है। तो रेडार के माध्यम से किसी भी हवाई जहाज को डिटेक्ट किया जा सकता है, मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, कन्वेंशनल जो सिविल एविएशन के प्लेन्स हैं वो भी डिटेक्ट होते हैं, उन्हीं से इन्हें ट्रैक किया जाता है। तो ये जो रेडार हैं ये मिलिट्री के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी एरोप्लेन अगर किसी दूसरे देश में घुसकर बम गिराना चाहता है तो वो रेडार पर अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा तो उसे रोका जा सकता है। तो ऐसे में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करते हैं, उनकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अपना रेडार सिग्नल, इंफ्रारेड सिग्नल, विजिबल लाइट, आरएफ सिग्नल, ऑडियो सब कुछ मिनिमम कर देते हैं ताकि वो रेडार की नज़र में ना आ सकें। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आपको कुछ इस प्रकार के नजर आएंगे, इनकी डिज़ाइन आपको लगेगी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो किसी अलग ही दुनिया का एयरक्राफ्ट आ गया है। तो इनका सरफेस ऐसा होता है कि यहाँ से रेडियो वेव्स टकराकर वापस डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वो रेडार को थोड़ा सा कम प्रभावी बनाती हैं। इनकी कोटिंग अलग प्रकार की होती है, इनकी डिज़ाइन, इनका शेप सब कुछ इस प्रकार से होता है कि ये मिनिमम डिटेक्शन इस एरोप्लेन का हो पाए। इनकी आवाज़ भी काफ़ी कम होती है, तो साउंड डिटेक्टर्स जो होते हैं वो भी इन्हें ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि कोई भी हवाई जहाज 100% इनविजिबल नहीं बन सकता, लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट 100 की जगह 80% काम तो कर ही देते हैं।
ताकि कन्वेंशनल रेडार यानी कि जो ज्यादातर देशों के पास हैं पुराने प्रकार के रेडार उनसे तो ये एयरक्राफ्ट बच के निकल सकते हैं। तो इस तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना किसी भी देश के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया था इस पागदा एयरक्राफ्ट के लिए वो था बॉम्बर। मैंने कहा था इट इज अ स्टेल्थ बॉम्बर। बॉम्बर क्या होते हैं? सिंपल है नाम से, ये वो प्लेन है जो बम की वर्षा कर देते हैं। ये बम वर्षक विमान है जिनमें दर्जनों इस प्रकार के बम होते हैं जो नीचे जाकर गिरेंगे और किसी भी बड़ी फैक्ट्री या फिर किसी बड़े टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वो बम वर्षक विमान है जो लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज उनके पास होती है और उसमें ऐसी कैपेसिटी भी हो कि वो बहुत बड़ी संख्या में एयर टू ग्राउंड वेपन्स ले जा सके, यानी कि बहुत सारा वजन भी उसे लेकर जाना है, कई सारे बम लेकर जाने हैं और लंबी दूरी की यात्रा भी करनी है। तो ये इस प्रकार के स्पेशल एरोप्लेन होते हैं। तो जैसे यूएस ने कई बार बम गिराए हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जैसे इराक है, अफगानिस्तान है, तो वहां पर उनके एयरबेस नहीं थे शुरुआती समय में। तो ऐसे जो बॉम्बर्स हैं वो कहीं और से टेक ऑफ करते थे, कई एयरक्राफ्ट तो यूएस से टेक ऑफ करते थे, इराक में जाकर बम गिरा सकते थे, इस तरह की कैपेसिटी उनके पास थी। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की ये खासियत होती है कि वो एनिमी टेरिटरी में जा सकते हैं और उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज पे बम गिरा दिए, ब्रिजेस तोड़ दिए, लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिसाइल बनाने की फैक्ट्री, टैंक बनाने की फैक्ट्रीज पे बम गिरा दिए। तो इससे दुश्मन की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कैपेसिटी का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। 2019 सितंबर में जॉर्डन और यूएस की एयरफोर्स ने एक युद्ध अभ्यास किया था और इस अभ्यास में शामिल होने के लिए एक B-52 बॉम्बर अमेरिका से टेक ऑफ करके, यूनाइटेड स्टेट्स की धरती से टेक ऑफ करके अटलांटिक ओशन को पार करते हुए यूरोप के ऊपर से उड़ते हुए जॉर्डन तक गया और फिर वापस आया। और इस बीच उसने केवल एक रिफ्यूलिंग करी, वो भी हवा में थी, तो कंटिन्यूअसली ये 30 घंटे तक ये विमान हवा में रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है। अगर यूएस चाहे कि कल हमें सीरिया पर या पैलेस्टाइन पर हमला करना है या फिर इराक में बम गिराने हैं, तो उन्हें अपने जो युद्ध पोत हैं यानी कि जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी अटलांटिक ओशन या मेडिटेरेनियन ओशन में भेजने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक हवाई जहाज B-52 यहाँ से उड़ाना है और 24 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कैपेसिटी इस वक्त दुनिया में केवल 3 देशों के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। और उसके अलावा स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ऐसे हवाई जहाज जो रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं वो भी केवल इन्हीं 3 देशों के पास हैं, यूएस, रशिया और चाइना। और इन दोनों कैपेसिटीज का मिश्रण यानी कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में भी काम करता हो वो इस वक्त केवल यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। रशिया और चाइना दोनों अपने स्तर पर इस तरह के एयरक्राफ्ट अभी डेवलप कर रहे हैं। रशिया का एयरक्राफ्ट है पागदा। तो अभी जो एक्टिव स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं दुनिया में वो हैं B-2, B-52, B-1, जियान H-6 जो चाइना का है और रशिया के पास टुपोलेव के द्वारा ही बनाए गए ये 3 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन अब ये सब पुराने हो चुके हैं तो रशिया के एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ये यूएस एयरफोर्स का B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस है, 1950 के दशक में ये हवाई जहाज सेवा में आया था और अभी तक ये कार्यरत है। तो B-52 शायद इस वक्त एक्टिव सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। लेकिन यूएस एयरफोर्स ने 1980 के दशक में एक नया स्टेल्थ बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर तैयार किया, उसका नाम था B-2। और इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट इसी को माना जाता है, B-2 को। तो यही वो B-2 है जिसको मैंने फोटो आपको पहले भी दिखाया था। तो B-2 बॉम्बर जो है ये 97 में पहली बार डिप्लॉय किया गया था। इसको कुछ समय के लिए यूगोस्लावियन वॉर में यूज भी किया गया था और हालांकि यूएस एयरफोर्स ज़्यादा डिटेल देती नहीं है कि इसको हम कहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, बट हाँ यूगोस्लाविया में इसको डिप्लॉय किया गया था। अमेरिका से उड़ान भरकर ईस्टर्न यूरोप तक पहुँचने की कैपेसिटी इस प्लेन ने 97 में ही दिखा दी थी। तो ये इसका शेप है, आप देख सकते हैं काफ़ी अजीब सा शेप है, एक चमगादड़ की तरह मुझे तो नज़र आता है ये, क्योंकि इसके अंदर रेडार को डिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी है। तो B-2 बॉम्बर 15,000 मीटर यानी 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, वहां से हमला कर सकता है और 11,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बिना एक बार भी रिफ्यूल करे 11,000 किलोमीटर की उड़ान, और अगर इसको मिड एयर रिफ्यूल करते हैं यानी हवा में ही इसमें रिफ्यूलिंग कर दी जाती है तो इसकी रेंज बढ़कर हो जाएगी 19,000 किलोमीटर। एक आइडिया देने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि न्यूयॉर्क से बीजिंग शहर की जो दूरी है वो लगभग 11,000 किलोमीटर है और धरती का पूरा चक्कर आप इक्वेटर पर लगाएंगे तो वो डिस्टेंस होता है 40,000 किलोमीटर, यानी कि ये हवाई जहाज धरती का आधा चक्कर लगा सकता है केवल एक बार हवा में रिफ्यूल करने के बाद। और क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है तो ये और भी ज्यादा घातक बन जाता है। लेकिन अब B-2 की टेक्नोलॉजी भी कुछ दशक पुरानी हो गई है तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स इस वक्त डेवलप कर रही है B-21। हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन ये अंडर डेवलपमेंट है, तो हो सकता है आने वाले 10 सालों में ये B-21 एयरक्राफ्ट पुराने B-52 को या B-2 को रिप्लेस कर दे।
चाइना भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर डिजाइन कर रहा है जिसका नाम है जियान H-20। याद रखिएगा जो H-6 विमान है वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तो है लेकिन उसमें स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं है, वो रडार की पकड़ में आ जाता है। लेकिन अब जो जियान H-20 आएगा उसमें स्टेल्थ कैपेसिटी भी होगी और कुछ न्यूज रिपोर्ट ये कह रही है कि इस प्लेन का प्रोटोटाइप बनकर तैयार है और चाइना इस साल के अंत तक शायद दुनिया के सामने उसे प्रदर्शित कर देगा और उम्मीद करी जा रही है कि 2025 तक ये एयरफोर्स के अंदर डिप्लॉय कर देगा चाइना और इसमें भी न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की कैपेसिटी रहेगी। H-20 कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, इसकी भी डिजाइन काफी हद तक B-2 से मिलती जुलती ही है। अब आते हैं रशिया के पागदा एयरक्राफ्ट पर, तो ये भी कहीं ना कहीं B-2 से मिलती जुलती डिजाइन है। अलग अलग आर्टिस्ट रेंडरिंग्स इस प्लेन की करी गई हैं। देखो ऑफिशियल डिजाइन तो हमें तभी मालूम चलेगी जब ये अनवील होता है यानी दुनिया के सामने इसे प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन ने एक बार ये फोटोग्राफ शेयर किया था, आर्टिस्ट रेंडरिंग शेयर करी थी, तो इसीलिए आई थिंक कुछ इसी प्रकार की इसकी डिजाइन होगी। तो पागदा 2027 तक रशिया कह रहा है कि हम इसे अपनी एयरफोर्स के अंदर डिप्लॉय कर देंगे और ये एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर होगा जो स्टेल्थ कैपेसिटी भी रखेगा और इसकी डिजाइन भी US के स्टेल्थ बॉम्बर B-2 से मिलती जुलती रहेगी। पागदा के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स इस प्रकार होंगे, ये एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट होगा यानी ध्वनि की गति से कम इसकी स्पीड रहेगी। 12,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है यानी B-2 बॉम्बर से थोड़ी सी ज़्यादा। इसके अंदर कैपेसिटी है दोनों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड्स को कैरी करने की और वो भी 30 टन तक। 30 टन न्यूक्लियर पेलोड किसी भी देश को नेस्तनाबूद करने के लिए काफ़ी होता है। ये 30 घंटों तक लगातार हवा में उड़ सकता है और इसमें 4 लोगों का क्रू होगा। अब स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर के आने से रशिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज ये है कि US के पास जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जो US की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है, जब भी यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया में किसी देश को डराना धमकाना होता है तो वो अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उसके आसपास डिप्लॉय कर देता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्या होता है, इसमें एक बड़ा जहाज होगा जिसमें एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं जैसे कि USS निमिट्स क्लास के कैरियर्स हैं और उसके आसपास डिस्ट्रॉयर्स और अन्य फ्रिगेट्स होंगे। तो ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है इसको US बहुत अच्छे से डिप्लॉय करता है। US के पास बहुत सारे जहाज हैं इसीलिए वो कई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स बना सकता है। तो ये कैपेसिटी अभी दूसरे देशों के पास नहीं है, रशिया के पास भी नहीं है कि इतने सारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉय कर सके। लेकिन जब पागदा एयरक्राफ्ट तैयार होगा तो इसके रेडार्स के अंदर ये पागदा डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की विद इन विजुअल रेंज आकर ये उनके ऊपर बम वर्षा कर सकता है। तो अगर ये कैपेसिटी रशिया के पास आ जाती है तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये रशिया को एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज दे देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।